खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां शहर खेवैया पुलिस ने महज 24 घंटे में चैन स्नेचरों की गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में वारदात को अंजाम देना बताया। बता दें कि दो दिन पूर्व शहर के खेवैया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सरेराह एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में खेवैया थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीते दिवस बदमाशों ने रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाली अंजना शर्मा नाम की महिला के साथ सरेराह चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पीड़ित महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने बदमाशों की पता तलाश शुरू की और महज 24 घंटे के भीतर दो संदेहियों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में अशरफ अंसारी उर्फ आसू एवं नफीस अंसारी उर्फ रिंकू शामिल है। बताया गया है कि आरोपियों ने राह चलती महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए थे, जिनके कब्जे से फिलहाल पुलिस ने लूटी गई चेन के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। ये 10 तारीख को शाम को करीब 8:30 बजे रिफ्यूजी कॉलोनी में एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग की घटना हुई थी। वो महिला बाजार करके वापस जा रही थी, जब वो अपने घर के पास पहुंची तो पीछे से आए दो लोग अज्ञात लोग थे और चैन स्नेचिंग करके भाग गए थे। इस घटना पे थाना अमलिया में FIR की गई और विवेचना में प्रकरण लिया गया। दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना पर कल दो लोगों को हिरासत में संदेहियों को लिया गया, उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा 10 तारीख की घटना कबूल की गई और उनके निशादेही से घटना में लूटी हुई चैन और प्रयुक्त वाहन जो मोटरसाइकिल है दोनों जब्त किए गए हैं। ये कहाँ की घटना थी सर? ये रिफ्यूजी कॉलोनी अमैया। ये इनकी जो अन्य वारदातें उनके विषय में पता लगाया जा रहा है, अभी तक तो केवल एक इसी वारदात का खुलासा हुआ है, अन्य पूछताछ की जा रही है और इनको वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये 24 घंटे के अंदर पुलिस अभिरक्षा में ले लिया इनको और चैन भी बरामद हो गई, घटना प्रयुक्त वाहन भी बरामद हो गया।